डैड मैं किया से एंगेजमेंट नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूं। तुम्हारे न्यूज ने तो तहलका मचा दिया। वो जिस मिस्ट्रेस के साथ रहता था वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है, मरने वाली है बेचारी। यार मुझे आज रियलाइज हुआ है कि जब तुमने अपनी मॉम को खोया था तुझे कैसा फील हुआ था। आई एम सॉरी उन सब चीजों के लिए जो मैंने की। ये तूने सच में मॉम का लेटर मीडिया को दिया था? ये सब करने का तो थॉट भी नहीं आया मेरे दिमाग में। मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जी डैड। तुम जानते हो कि तुमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं और आरती की वजह से मैं इन सब गलतियों को भूलने को तैयार हूं। रायचंद खानदान पर बहुत उंगलियां उठ रही हैं। इस न्यूज को भी मैं दबा दूंगा और आरती को भी इस घर को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। डैड मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये सब मैं करने को तैयार हूँ लेकिन उसके बदले में तुम्हें किया से एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन डैड केविन अपनी नहीं तो अपनी माँ की तो सोचो। डोंट यू थिंक दैट शी हैज सफर्ड इनफ? अपना फैसला मुझे बता देना। डैड मैंने फैसला ले लिया, मैं किया से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूं। दैट्स ग्रेट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या पागल खाना है यहाँ पे? आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। बैठी रहो। क्या हो गया आपको? तुम्हारा बेटा। क्या हुआ शिविन को? सुबह से गायब है, कोई अता पता नहीं है। तुम्हें कुछ बता के गए? अंदर हो सकता है कि शिविन किसी मुसीबत में पड़ गया हो। कमऑन आरती, शिविन कोई बच्चा नहीं है, हो सकता है कि वो उस वेट्रेस के साथ भाग गया। नहीं दीदी, आज अगर शिविन वापस नहीं आया तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। इंदर जा चुके हैं तो प्लीज मुझे सच सच बता दो कि शिविन कहाँ है। हेलो जगमोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हम यहाँ से रायचंद फैमिली के साथ एंगेजमेंट के लिए निकल रहे हैं। तुमने सारे पेपर्स अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं ना? इंद्रजी तो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है और वो खुशी खुशी इन पेपर्स पर साइन भी कर देगा। वैसे भी इंदर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी हैं, तो मैं मौका देखते ही इस कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट से अपने लोन क्लियर कर दूंगी। उसके बाद मैं फिर से अमीर हो जाऊंगी और तुम्हारा दुश्मन सड़कों पर आ जाएगा। बाय। देखा दीदी आपने, अब तो कम से कम आप ये सगाई रोक दीजिए। देखो आरती, फिर भी ये बात इंदर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या? क्योंकि अगर इंदर को ये पता चला कि तुम जो भी कह रही थी वो सही कह रही थी, तब तो तुम उनकी नजर में और महान बन जाओगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। अगर शिविन की एंगेजमेंट किया के साथ होती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और शायद तुम भी इंदर के साथ अपने रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाओगी। और इस वक्त मुझे ये परवाह बिल्कुल नहीं है कि इंदर को बिजनेस में कितना नुकसान होगा, क्योंकि आज तक जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है ये उसकी सजा होगी।
ही कहती थी अगर आप इंदर को कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे ही सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। डोंट बी स्टूपिड, तुम कुछ नहीं कहोगी। जस्ट स्टॉप। नहीं दीदी। लिसन लिसन आरती, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नहीं दीदी, आज मैं सब कुछ इंदर को बता दूंगी। तुम नहीं बताओगी, गॉट इट? अब तक क्यों नहीं पता चला एड्रेस? आई वॉन्ट द एड्रेस राइट नाउ, यू गेट दैट? गुस्से में फोन को फेंकने की आदत गई नहीं तुम्हारी? आप कहाँ चली गई थी मॉम? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। कैसे बता दिया? तुम्हारी डैड की हर गलती को सहती रही, उनके हर धोखे को बर्दाश्त करती रही, मगर अब उन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। तुम्हारे डैड और दीपाली कपूर मिलकर इंद्रजीत भाई साहब और शिवेन की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रहे। वो लोग इंद्रजीत भाई साहब से कोई कॉन्ट्रैक्ट की डील साइन करवाने वाले हैं और इस डील के साथ ही इंद्रजीत भाई साहब के सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग किया की शादी शिवेन से करवा के उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने वाले। शिवेन सर तुम्हारा दोस्त ही नहीं है, उसे मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है, तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? मैंने की थी ये बात तुम्हारे डैड से कि मैं शिवेन को जाके सब कुछ बता दूँ, उन्होंने मुझे धमकी दी। मैडम उस वक्त मैं मजबूर थी, इसीलिए मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा और बिना किसी सबूत के मैं तुम्हें कुछ बताना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैं दूर रहकर इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा। आज आप सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आपने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। आज मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए आई हूँ क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। और मुझे यहाँ पर कौन ले रहा है? शिवन। शिवन, अच्छा हो तुम वक्त पे आ गए। कहाँ थे इतनी देर से तुम? What is wrong with you? Dad, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं किया से एंगेजमेंट करूंगा। So don't stress. मैं भी रायचंद हूँ, Dad. I'll stick to my word. ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। शिफाली and Kia are already here. Yes, sir. Excuse me, sir. आप ऐसे कहाँ चले जा रहे हैं? ये एक प्राइवेट इवेंट है। तुम मुझे रोक रहे हो? तुम? आहत? क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रेट आंटी, आंटी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये एंगेजमेंट बहुत बड़ा धोखा है, मेरे डैड और शिफाली ने प्लान किया। हम लोग गेस्ट रूम में चल के बात करें। ओके। आहान, मैं जानती हूं कि शिफाली और जगमोहन मिलकर इंदर और शिवन के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये मैं खुद चाहती हूं कि इंदर और शिवन अलग हों, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी किसी बड़े फायदे के लिए छोटा मोटा नुकसान तो झेलना ही पड़ता है। अब इंदर चलिए, देर हो रही है, एंगेजमेंट वेन्यू पे सारे मेहमान वेट कर रहे होंगे ना। ओके। Okay.
हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। हेलो, ये आवाज कहां से आई? शिविन, तू किया के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता, ये सब एक धोखा है। What? तेरे डैड का बिजनेस बर्बाद करने के लिए मेरे डैड और शिफाली आंटी ने प्लान किया था। आन, ये क्या बकवास है? तुमने तो शिविन की न्यूज मीडिया में दी थी और हम इसकी बात पर क्यों विश्वास करें? राइट आंटी, आप तो यही चाहेंगे कि कोई भी मेरे बात का यकीन ना करे। तभी तो जब मैंने आपको बताया तो आपने मुझे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया। आप यही चाहती हैं ना कि शिवन अपने डैड से अलग हो जाए? दिस इज बुलशिट। सच है ये? और इसके सारे सबूत हैं मेरे पास। ये देखिए इंद्रजीत भाई साहब, मेरे हस्बैंड और शिफाली का किया हुआ है ये सब कुछ। Is this mom? आपने मेरे साथ ऐसा किया? शिविन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। I had no idea that my mom could do something like this to me. मुझे माफ करो। किया? मैंने कभी औरतों के साथ बदसलूकी नहीं की, लेकिन मुझे अपने रूल्स भूलने पर मजबूर मत करना। Get the hell out of here! और प्रेरणा, तुम ऐसा कैसे कर सकती? जिस औरत की मैं इतनी इज्जत करता था, वही औरत मुझसे दिलो दिल इतनी नफरत करती है? यहां से निकल जाओ। I don't want to see your face anymore. Dad, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, 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 उठिए। शिफाली जी के बारे में सबको सच सच पता चल गया है। डैड, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन डैड, मैं आपकी इस दुनिया में फिट ही नहीं होता। So dad, let me go, please. तो मेरी बात सुनो बेटा। नहीं dad, मैंने हमेशा आपकी सुनी है, पर इस बार पहली बार मैं अपने दिल की सुन रहा हूं। माँ, आप चाहती हैं तो आप यहां रह सकती हैं, लेकिन यहां एक पल भी और मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। आरती, मेरी बात सुनो। बस इधर। शिविन बिल्कुल ठीक कह रहा है इंदर।
मैं भी इस झूठ की जिंदगी से अब तंग आ गई। और वैसे भी इस घर में बिना किसी पहचान के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं पूरी दुनिया के सामने आपके बेटे की मां के रूप में जानी जाऊं। आरती, शिवन, एक मिनट रुको। शिवन, आरती, मैं उस औरत के साथ रहना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम दोनों ही मेरा सच्चा परिवार हो। हेलो, रियली थैंक यू। शिवन के लिए मेरे पास एक गिफ्ट। आहन क्या कर रहा है यार? तू चल तो सही। आहन आराम से। आहन टेंटेड है। आंख खोलू? खोलो। देखा गौरी, हम दोनों साथ में, हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। और यही बात शिवेन और किया के एंगेजमेंट की, तो वो भी कैंसिल हो चुकी है। अरे ये कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की, अब इसे छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? तो?